Hello students, in this video we are going to discuss about vertical circular motion. So as you can see, here is a bob of mass m and length l or length a suspended from a point C, and this bob is undergoing a vertical circular motion. So when I say it's going in a vertical circular motion, I mean to suggest you that the ball is moving on a circular path and tracing a circle in a vertical plane. तो बच्चों यहाँ पर ये जो बॉब है ना, ये सर्कुलर पाथ में ऐसे घूम रहा है, और ये जो सर्किल जो ट्रेस हो रहा है ना इस बॉब के द्वारा, ये सर्किल जो ट्रेस हो रहा है वो एक वर्टिकल प्लेन में ट्रेस हो रहा है, कुछ इस तरह से. ठीक बात है. और ये बॉब जो पिवट है बंधा हुआ है, वो पॉइंट सी से बंधा हुआ है. इस बॉब की जो लेंथ है बच्चों, वो ए लेंथ की है. और अब इस सिचुएशन से रिलेटेड तुम्हें कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना है. मैं चाहूंगा कि आप जब आंसर, जब क्वेश्चंस आपके सामने आए, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लें और उसको अपने आप से आंसर करने की कोशिश करें, और फिर उस वीडियो को प्ले कर देंगे तो देन यू विल गेट माई सजेशन टू दैट पर्टिकुलर आंसर विल बी देयर. चलिए देखते हैं. और बच्चों जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो जो पॉइंट L है, ये लोएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कुलर मोशन है, और इस समय जो बॉब की वेलोसिटी है बच्चों, वो VL है. अब मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या आप इस बॉब के ऊपर लगने वाले फोर्सेस को मार्क कर सकते हैं जब बॉब पॉइंट L पे सिचुएटेड है. तो चलिए देखते हैं, इस समय जब बॉब पॉइंट L पे सिचुएटेड, उस समय बॉब के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस इफेक्टिव है. चलिए देखिए. तो सबसे पहला फोर्स जो बॉब के ऊपर लग रहा होगा वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, mg. अर्थ जो पुल कर रही, ग्रेविटेशनल पुल, वो mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा होगा. और चूंकि बॉब किसी स्ट्रिंग से बंधा हुआ, तो इस स्ट्रिंग की वजह से इसके ऊपर एक और अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा बच्चों, और वो फोर्स होगा टेंशन फोर्स T, जो कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा. तो बच्चों इस सिचुएशन में बॉब के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, T और mg. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपके लिए है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब बॉब किसी पोजीशन L पे है और उस समय उसकी वेलोसिटी VL है, तो उसको इस सर्कुलर पाथ में मोशन कराए रखने के लिए, मोशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, व्हाट इज द रिक्वायर्ड फोर्स. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू ऑल इज टू स्टेट द रिक्वायर्ड फोर्स नीडेड बाय द बॉब टू अंडरगो अ सर्कुलर मोशन एट पॉइंट L, एंड हु इज गोइंग टू प्रोवाइड दिस फोर्स. ओके, अब देखो बच्चों, बॉब कैसा मोशन कर रहा है? बॉब मोशन कर रहा है सर्कुलर मोशन. मैंने कई बार आप लोगों को इसके बारे में बताया, जब कोई भी ऑब्जेक्ट कोई सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, तो अंडर द इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, और अंडर टू अंडरगो अ सर्कुलर मोशन, यू रिक्वायर अ फोर्स इज रिक्वायर्ड. जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है बच्चों, वो फोर्स कहलाती है सेंट्रीपिटल फोर्स. तो अगर मुझे इस बॉब को सर्कुलर मोशन करते रहना है, तो मुझे एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो एक्सप्रेशन होता है बच्चों, वो कितना होता है? एम वी स्क्वायर बाई आर. अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स मुझे चाहिए होगी. इस पॉइंट L पे बॉब के पास वेलोसिटी कितनी है? VL. और जिस पाथ में वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, उस पाथ का जो रेडियस है वो है a. तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगी बच्चों? वो हो जाएगी fc इज इक्वल्स टू mvl स्क्वायर बाई a. ठीक बात है. तो ये रिक्वायर्ड फोर्स है एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ आर सर्कुलर मोशन, दैट is needed by the bob to undergo a circular motion. ठीक है. तो required force आपको निकल के आ गई. कितनी force required है बच्चों? mv l square by a. ठीक है. vl क्या है? lowest point पे उसकी velocity. अब next question इसी में पूछा, and who is going to provide this force? अब बच्चों ये force आएगा कहाँ से? देखिए, bob के ऊपर already दो forces लग रही है ना, एक है tension force और दूसरी mg. तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब इन दिस सिचुएशन इज एफ नेट. कितना है? तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब इज टी इन द अपवर्ड डायरेक्शन माइनस एम जी. अब टी हैज टू बी लार्जर इन कंपैरिजन टू एम जी, देन ओनली आई विल बी हैविंग अ नेट सेंट्रीपिटल फोर्स, नेट फोर्स दैट इज गोइंग टू बी डायरेक्टेड.
टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मोशन। अगर बच्चों टी ग्रेटर होगा एम जी से तभी तो एक नेट फोर्स एक्ट करेगा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मोशन। तो क्या नेट फोर्स एक्ट कर रहा है एट एल? तो एट पॉइंट एल जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है बॉब के ऊपर वो कितना लग रहा है? टी माइनस एम जी। एंड टी हैज टू बी ग्रेटर देन एम जी, देन ओनली द नेट फोर्स विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मोशन। तो बच्चों टी माइनस एम जी इज द नेट फोर्स। और अगर बॉडी को सर्कुलर मोशन करते रहना है, ठीक है, अगर बॉडी को सर्कुलर मोशन करना है, सर्कुलर पाथ पे घूमना है, तो ये जो नेट फोर्स है यही नेट फोर्स को क्या करना चाहिए? दिस नेट फोर्स मस्ट प्रोवाइड अस विथ द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक बात है ना? तो बच्चों कितना नेट फोर्स था? टी माइनस एम जी। और अगर टी माइनस एम जी एम वी एल स्क्वायर बाई ए के बराबर हो जाएगा, इसी सिचुएशन में बॉब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगी वर्टिकल सर्किल में। सो इफ क्या है कंडीशन? इफ एंड ओनली इफ का मतलब, आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। तो इफ एंड ओनली इफ क्या है कि टी माइनस एम जी जो उस समय जो फोर्स लग रहा है लोएस्ट पॉइंट पे, अगर वो एम वी एल स्क्वायर बाई ए के बराबर होगी तब बॉडी सर्कुलर मोशन कर पाएगी। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने के लिए ये कंडीशन है लोएस्ट पॉइंट पे। सो फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन ठीक बात है बच्चों? तो ये इक्वेशन अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए क्लियरिटी से, ताकि आपको पता हो कि लोएस्ट पॉइंट पे टी माइनस एम जी मस्ट बी इक्वल्स टू एम वी एल स्क्वायर बाई ए। दिस इज द कंडीशन नीडेड फॉर आर बॉब टू अंडरगो अ सर्कुलर मोशन एट पॉइंट एल। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स? डेफिनेटली दिस फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मोशन। सो द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स यानी टी माइनस एम जी का जो नेट फोर्स आ रहा है, यहां से जो रिक्वायर्ड फोर्स था वो था एम वी ए स्क्वायर सॉरी एम वी एल स्क्वायर बाई ए। और ये फोर्स का नेट डायरेक्शन क्या होना चाहिए? रेडियली इनवर्ड्स। ठीक बात है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जो तुमसे पूछ रहा हूं वो क्या पूछता हूं कि इज इट पॉसिबल फॉर द बॉब टू अंडरगो सर्कुलर मोशन इफ टी इज इक्वल्स टू जीरो? बच्चों अगर ये टेंशन की वैल्यू ही जीरो हो जाए तो क्या कोई नेट फोर्स विल एवर बी पॉसिबल टू एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मोशन? भाई अगर ये फोर्स जीरो हो गया तो बॉडी ये बॉब के ऊपर तो सिर्फ ये एक फोर्स लग रहा होगा एम जी जो कि बाहर की तरफ एक्ट कर रहा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या बॉब के ऊपर कोई फोर्स लग रहा होगा जो सेंटर ऑफ द मोशन में एक्ट कर रहा हो? आंसर है नहीं। तो जब कोई फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ मोशन, तो क्या बॉब के लिए पॉसिबिलिटी होगा कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर सके? तो आंसर है नहीं। दूसरा क्वेश्चन उसी में मैंने पूछा कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि बॉब सर्कुलर मोशन करे अगर टी लेस देन या इक्वल टू एम जी? बच्चों जो नेट फोर्स बॉब के ऊपर लग रही है एट एल वो कितनी लग रही है? वो लग रही थी टी माइनस एम जी। अब ध्यान दो बच्चों, ये नेट फोर्स है। अब अगर ये नेट फोर्स में टी लेस देन एम जी है तो नेट फोर्स रेडियली आउटवर्ड डायरेक्टेड हो जाएगा। तो जब नेट फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट ही नहीं कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में कैसे बॉब सर्कुलर मोशन कर सकता? पॉसिबली ही नहीं है।
और अगर t mg के बराबर हो जाएगा, तो इफ t बराबर टू, इफ t इक्वल्स टू mg, तो उस कंडीशन में नेट फोर्स जीरो हो जाएगा बच्चों। और अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो भी कोई फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट नहीं कर रहा है बॉर्ड के ऊपर जो कि उसको सर्कुलर मोशन करा सके। तो सर्कुलर मोशन एक ही सिचुएशन में पॉसिबल है बच्चों, जब टी ग्रेटर देन mg हो। जब तक टी ग्रेटर देन mg नहीं होगा, कोई नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मोशन एक्ट नहीं करेगा, तब तक बॉब सर्कुलर मोशन कर ही नहीं सकता। तो एट पॉइंट L, वॉट इज द कंडीशन रिक्वायर्ड? द कंडीशन रिक्वायर्ड इज दैट जो भी नेट फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज T माइनस mg मस्ट बी इक्वल्स टू mva स्क्वायर बाई L। एक्सपेक्ट करता हूं बच्चों कि ये पूरी डिस्कशन या पूरा डिस्कशन आपको हेल्प कर रहा है अंडरस्टैंड करने के लिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन फॉर एनी ऑब्जेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। नाउ द सिचुएशन इज चेंज, द बॉब मूव्स टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कुलर मोशन। बच्चों ये लोएस्ट पॉइंट था सर्कुलर मोशन का और ये हाईएस्ट पॉइंट है सर्कुलर मोशन का। और इस हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कुलर मोशन में बॉब जब सर्कुलर मोशन कर रहा, अब इसकी वेलोसिटी जो हो गई है बच्चों वो हो गई है वी एच। तो आप देख सकते हो यहां पर इसकी वेलोसिटी वी एच मेंशन कर दी है। अब भी मेरा क्वेश्चन वही है आपसे कि भाई अब फोर्सेस मार्क करके बताओ जो एच पोजीशन पे बॉब के ऊपर एक्ट कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग वो फोर्सेस मार्क करते हैं जब बॉब अपने हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे है। तो बच्चों इस हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे जो फोर्सेज एक्ट कर रही होंगी वो एम जी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा और टेंशन टी भी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा स्ट्रिंग के ऊपर। अब बच्चों एट पॉइंट एच जो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं वो दो फोर्सेज हैं, mg डाउनवर्ड्स एज वेल एज टेंशन डाउनवर्ड्स। बोथ द फोर्सेज हैव बीन मार्क्ड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मोशन। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो द सेम एज व्हाट वी डिस्कस्ड एट द लोएस्ट पॉइंट। कैन यू टेल मी द रिक्वायर्ड फोर्स नीडेड फॉर द बॉब टू अंडरगो सर्कुलर मोशन एट एच एंड हु इज गोइंग टू प्रोवाइड दिस फोर्स। तो बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पर जो बॉब की वेलोसिटी है वो क्या है? हाईएस्ट पॉइंट पर जो बॉब की वेलोसिटी है वो वीएच है और सर्कुलर मोशन करते रहने के लिए तुम्हें एक रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो कितना सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है बच्चों? ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि सर्कुलर मोशन करने के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड होता है और जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है उसी रिक्वायर्ड फोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। तो ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है कितना, उसका एक्सप्रेशन हम लोगों ने डिराइव किया था, वो आता था एम वी स्क्वायर बाई आर। और इस क्वेश्चन के लिए मास ऑफ द बॉब इज एम, जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मोशन पे वेलोसिटी है बॉब को वो है वी एच स्क्वायर अपॉन जो रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन है वो ए। तो जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है बच्चों वो एम वी एच स्क्वायर बाई ए है। अब क्वेश्चन उठता है कि हु इज गोइंग टू प्रोवाइड दिस फोर्स। सो व्हाटस एवर द फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द बॉब एट पॉइंट एच आर द फोर्सेज विच आर रिस्पॉन्सिबल टू provide you the required centripetal force. So what are the forces acting on to the bob at this point, at point H? So the force acting on the bob at point H, force acting on the bob at point H, what are the forces? There are two forces. What are they? One force is tensile force, tension. Another force happens to be Earth's gravitational pull, यानी FG. So what is the net force acting onto the ball? So net force acting onto the ball happens to be T plus mg. FG की वैल्यू जो थी बच्चों वो mg के बराबर थी। तो यही नेट फोर्स जो एक्ट कर रहा है बॉब के ऊपर वही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा बॉब को। और हमें रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है? वो है एम वी एच स्क्वायर बाई ए। तो एट पॉइंट एच व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग? द फोर्सेस एक्टिंग आर टी प्लस एम जी एंड इफ दीज टू फोर्सेस आर सफिशियंटली लार्ज एनफ टू बी इक्वल टू एम वी एच स्क्वायर बाई ए, द बॉडी विल कंटिन्यू टू मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ।
ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको इतनी बात? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट देन. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्स यू व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स. ना जो भी फोर्स रिक्वायर्ड है वो कितना फोर्स रिक्वायर्ड था बच्चों? वो था एम वी एच स्क्वायर बाई ए. और इस फोर्स का भी डायरेक्शन कैसे है? या रेडियली इनवर्ड. देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ही होता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द मोशन. अगर तुम इस पॉइंट पे हो तो भी रिक्वायर्ड फोर्स रेडियली इनवर्ट चाहिए, अगर तुम इस जगह पे हो तो भी रिक्वायर्ड फोर्स रेडियली इनवर्ट चाहिए. तो जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी के ऊपर, और बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है तो जो भी फोर्स रिक्वायर्ड है उसको सर्कुलर मोशन को करते रहने के लिए, वो सारे के सारे फोर्स मस्ट बी एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मोशन. इज दैट क्लियर? तो ये सारे फोर्सेस का डायरेक्शन मस्ट बी एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मोशन, दैट इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू अंडरगो, इज इट, एक्सक्यूज मी, इज इट पॉसिबल फॉर द बॉब टू अंडरगो सर्कुलर मोशन इफ टी इज इक्वल्स टू जीरो. अगर बच्चों टी जीरो हो जाएगा तो क्या बॉब सर्कुलर मोशन कर लेगा? एल पॉइंट पर टी जीरो होने पे बॉब सर्कुलर मोशन नहीं कर पाता था. लेट्स अंडरस्टैंड एट पॉइंट एच नाउ. एट पॉइंट एच व्हाट आर द फोर्सेज एक्टिंग ऑन टू द बॉब? देयर वर टू फोर्सेज, टी एंड एम जी. बोथ आर एक्टिंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो द नेट फोर्स वॉज टी प्लस एम जी. And this net force was supposed to provide me the required centripetal force. And what was the required centripetal force? This was the required force. ठीक है? And this was the net force acting. अब कहा जा रहा है कि अगर T zero हो जाए, if T is zero, then is there any force which is acting towards the center of motion? Yes. What is that force? That is mg, isn't it? So now the force mg should be able to provide me with the required centripetal force. Why it is going to provide me with the required centripetal force? Simply because of one reason, that it is going to be acting towards the center of the motion. जब हम लोग पिछला डिस्कशन अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे पॉइंट एल पे, तब आपने देखा था कि mg जो था वो रेडियली आउटवर्ड एक्ट कर रहा था, वो उस पॉइंट पर l पॉइंट पर सेंटर की तरफ डायरेक्टेड नहीं था. लेकिन टू द कॉन्ट्रेरी एट पॉइंट एच यू विल फाइंड दैट mg इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मोशन. सो इज इट पॉसिबल फॉर द बॉब टू अंडरगो सर्कुलर मोशन इफ t इक्वल्स टू जीरो? यस, इट इज वेरी मच पॉसिबल. Yes, it is possible for the bob to undergo a uniform circular motion even tension T is equals to zero, and in that situation mg should be able to provide me the required centripetal force. So if mg must provide the required centripetal force, isn't it? And this is the minimum possible फोर्स दैट विल बी अवेलेबल एट द हाइएस्ट पॉइंट. बच्चों दिस इज द मिनिमम. तो मिनिमम पॉसिबल फोर्स जो बच्चों हाइएस्ट पॉइंट पे बॉडी के एक्ट कर सकता है वो क्या है? mg. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो वॉट इज द मिनिमम, वॉट विल बी द मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स इफ द बॉब हैज टू कंप्लीट यूसीएम? तो मिनिमम पॉसिबल फोर्स जो बॉब के ऊपर लग रही होगी एट द हाइएस्ट पॉइंट, दैट विल बी mg. और ये mg अगर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दे, कितना रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है बच्चों? वो है vh स्क्वायर बाई a, mm कैंसिल हो जाए, देन द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ ag. This is the minimum velocity of the bob to undergo circular motion, where a is the radius of the motion. बच्चों a यहां पर क्या है? Radius of the motion है. तो कितना minimum possible velocity हो सकती है at the highest point of motion? That is equals to under the root of a g. और अगर तुम इसको चाहो तो इसको ऐसे भी लिखते, under the root of r g, where small r stands for radius of the motion. Is that clear, बच्चों?
So this is the minimum possible velocity of the bob when it undergoes a circular motion. I hope this is clear. This is the minimum possible velocity for the bob at the highest point of the circular motion. And this minimum velocity is going to be provided only with the help of the gravitational pull of the earth. So boys, so guys, at the highest point, जो आपके ऊपर minimum force act कर रहा था bob के ऊपर वो mg था, और उस mg की वजह से जो highest point पे minimum velocity थी बच्चों वो कितनी थी, जो minimum velocity निकल के आई थी highest point पे, this is the minimum velocity that was under the root of ag or simply under the root of rg. ठीक बात है बच्चों, where r happens to be the radius of the circular motion, this is the minimum velocity of the bob at the highest point. Under vertical circular motion, minimum velocity of the bob under vertical circular motion at the highest point. Highest point. ठीक बात है बच्चों, और इस सिचुएशन में टेंशन क्या है बच्चों, इस सिचुएशन में टेंशन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो. नाउ अगर बॉब अब यहां से नीचे की तरफ आता है तो इस पॉइंट पर, लोएस्ट पॉइंट पर इसकी क्या वेलोसिटी होगी, चलिए जाए इस ये निकाल लेते हैं. तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ द बॉब at the lowest point of the circular motion, vertical circular motion. ठीक बात है, चलिए इस बात को देख लेते हैं बच्चों. यहां पर जो velocity थी vh वो कितनी निकल के आई थी, under the root of ag. तो बच्चों ये lowest point of the circular motion है, और जो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कुलर मोशन होता है वो रेफरेंस लेवल बन जाता है हमारे लिए, और जो रेफरेंस लेवल होता है बच्चों वहां पर पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो होती है. तो बच्चों इस पॉइंट पर हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लिया. ठीक है, अच्छा इस हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो यहां पर अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था एम जी एच. H कितना है, लोएस्ट पॉइंट से हाइट कितनी है 2a, सो mg into 2a, सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी mg into 2mga. ठीक बात है, और यहां पर बॉडी के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, कितनी काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम वी एच स्क्वायर, और उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे वी एच की वैल्यू. तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए है, टोटल एनर्जी एट पॉइंट एच है, मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए एल. तो ये बच्चों ये एल पॉइंट था, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट एच कितना था, वो था काइनेटिक एनर्जी एट एच प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एच, और टोटल एनर्जी एट ए क्या हो जाएगी बच्चों, वो काइनेटिक एनर्जी एट एल एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एल हो जाएगी. अब काइनेटिक एनर्जी एट एच क्या था, हाफ एम वी एच स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, एम जी इंटू टू ए. ठीक है ना, क्योंकि एच पॉइंट जो है लोएस्ट लेवल से टू ए हाइट अबव है, और काइनेटिक एनर्जी एट एल मुझे यहां पे वेलोसिटी मालूम नहीं है, यहां पे वेलोसिटी अगर मैं वी एल मान लू तो दैट विल बी हाफ एम वी एल स्क्वायर, और लोएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो. एम 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 गोज ऑफ मल्टीप्लाइंग द एंटायर इक्वेशन बाय टू. ठीक है ना, तो ये हो जाएगा वी एच स्क्वायर प्लस टू टू जा फोर ए जी इज इक्वल्स टू वी एल स्क्वायर. वी एच स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ ए जी था वी एच, तो वी एच स्क्वायर विल बी, यहां से देखो वी एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए जी हो जाएगी. सब्स्टिट्यूट कर दो यहां, ए जी प्लस फोर ए जी इज इक्वल्स टू वी एल स्क्वायर, देयरफॉर वी एल
comes out to be under the root of 5ag. What is a? A happens to be the radius. So it will be under the root of 5rg. So बच्चों लोएस्ट पॉइंट पे जो मिनिमम वेलोसिटी होती है किसी भी बॉडी की जो यूनिफॉर्म सर्कुलर वर्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होता है वो रूट 5rg के बराबर हो जाती है. इज दैट क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? तो बच्चों अभी तक जो डिस्कशन से जो पॉइंट्स हमारे सामने आ गए निकल के वो थे कि जो हाईएस्ट पॉइंट पर जो मिनिमम वेलोसिटी थी वर्टिकल सर्कुलर मोशन को करने के लिए वो निकल के आ गई थी अंडर द रूट ऑफ ए जी या अंडर द रूट ऑफ आर जी, जिसमें आर जो था वो रेडियस ऑफ द सर्कल था. यहाँ पर एज पर द प्रॉब्लम ए इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, बट इन जनरल आर इज, लेट्स कंसिडर आर एज द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो अंडर द रूट ऑफ आर जी. और बच्चों जो लोएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी आई थी मिनिमम वेलोसिटी वो आई थी अंडर द रूट ऑफ 5ag और इन जनरल अंडर द रूट ऑफ 5rg. ठीक है बच्चों, ये हम लोगों ने अब तक के डिस्कशन से समझ लिया है. अब बच्चों जो लोएस्ट पॉइंट था, इस लोएस्ट पॉइंट पर जो फोर्सेस एक्ट कर रही थे, तुम्हें अगर याद हो तो हम लोगों ने mg डाउनवर्ड फोर्स देखा था और टेंशन t अपवर्ड डायरेक्टेड फोर्स था, यही तो था. तो लोएस्ट और लोएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी थी vl वो कितनी आ गई है, वो निकल के आ गई है vrg. दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड by the body to undergo vertical circular motion. ठीक बात है. अब बच्चों हम लोग एक लास्ट स्टेप और करेंगे यहां पर और ये फाइंड करेंगे what is the minimum tension required or minimum force required for the body to undergo vertical circular motion at point L. ठीक है, तो क्या करने जा रहे हैं बच्चों हम लोग, minimum force required हम लोग find करने जा रहे हैं, minimum force required at the lowest point of the vertical circular motion. कल ठीक बात है बच्चों, तो जैसा रिकॉल करो, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट एल, व्हाट वाज द नेट फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट एल, वो जो नेट फोर्स था वो था टी माइनस एम जी. और बच्चों ये टी माइनस एम जी को रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देना चाहिए था, उस जगह पर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स का कितना था, एम वी एल स्क्वायर बाई ए. ये हम लोगों का बिगनिंग ऑफ द सेशन के डिस्कशन के पार्ट में डिस्कशन हो चुका है. तो अगर ये हमारे पास ये सिचुएशन है तो मिनिमम वेलोसिटी जो चाहिए तुम्हें लोएस्ट पॉइंट पर, बच्चों वो मिनिमम वेलोसिटी कितनी थी, जो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड थी वीएल वो थी अंडर द रूट ऑफ 5ag. तो वीएल स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी 5ag. दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी at point L in order to have vertical circular motion possible. Let's substitute this VL square value over here. So T minus mg must be equals to m, VL square is 5ag upon a cancels out. So T minus mg must be equals to 5mg. Therefore T must be equals to 6mg. इस mg को मैंने इधर ट्रांसपोज कर दिया, T must be equals to 6mg. So this is the minimum force required at lowest point, at lowest point, so as to complete vertical circular motion, so as to undergo vertical circular motion. बच्चों मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये डिस्कशन आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन के
के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्लियर करेगा और इसकी मदद से आप डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जरूर सॉल्व करेंगे, कर पाएंगे भी। प्लीज इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट तरीके से देखिएगा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बहुत बार इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते भी हैं। बच्चों एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको मेरे वीडियोस समझ में आते हैं तो प्लीज़ उनको अपने फ्रेंड्स और उनके अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, साथ ही साथ काइंडली हिट द बेल आइकन सो दैट वेन एवर अ न्यू वीडियो इज अपलोडेड यू रिसीव अ प्रॉपर नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।